गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चैप्टर नंबर फर्स्ट परिमेय संख्या में हम एक्सरसाइज 1.1 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, कह रहा है उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन जो है उसका उत्तर आपको बताना है कि ये कंडीशन हो रही है या नहीं हो रही है, इसका आंसर क्या है। देखते हैं, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो। क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई परिमेय संख्या है इसका व्युत्क्रम नहीं होगा। अगर आप देखें एक है, या व्युत्क्रम का मीनिंग होता है उल्टा करना। एक है, इसके बेटे भी कितना है? एक। इसका जब तो उल्टा करूंगा तो कितना है? एक आएगा। इसका मतलब एक इसका व्युत्क्रम है। एक का व्युत्क्रम मैं निकाल सकता हूँ। इस तरीके से देखिए, दो संख्या देता हूँ, इसके नीचे कितना है? एक। इस दो का निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या था? जीरो का। जीरो है, जीरो में नीचे कितना आएगा? एक। जब मैं जीरो का व्युत्क्रम करूंगा तो एक बटे जीरो होता है, और एक बटे जीरो जो होता है वो अपरिभाषित रूप है। कैसा रूप है? अपरिभाषित रूप। जैसे ही मैंने जीरो का उल्टा किया तो एक बटे जीरो आया। इसका जो व्युत्क्रम है, इसे हम क्या कर रहे हैं? व्युत्क्रम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्युत्क्रम कर रहे हैं। जैसे मैंने जीरो का व्युत्क्रम किया, एक बटे जीरो आया। और जब भी किसी संख्या में जीरो का भाग लगाते हैं तो वो हमेशा क्या होगी? अपरिभाषित रूप होगी। उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, उसकी परिभाषा हम दे नहीं सकते, इसलिए जीरो का व्युत्क्रम नहीं हो सकता। अब आते हैं परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, इसका आंसर क्या होगा? एक तो एक होगा और क्या होगा? माइनस। क्या था? एक का व्युत्क्रम निकालना है। अगर मैं एक का व्युत्क्रम निकालूं, एक बटे एक बनता है, इसको वापस सॉल्व करूंगा तो ये आएगा। एक का व्युत्क्रम वापस क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है। तो व्युत्क्रम के समान एक का व्युत्क्रम करूंगा तो एक मिल रहा है। इसी तरीके से आप देखें, माइनस एक का जो व्युत्क्रम निकालूंगा मैं, इसके नीचे कितना है? एक। तो माइनस एक बटे एक, इसका जैसे मैंने उल्टा किया तो वापस माइनस एक ही मिल गया। तो एक का उल्टा करूंगा तो वापस एक मिल रहा है, माइनस एक का उल्टा करूंगा तो वापस माइनस एक ही मिलना है। माइनस की एक होनी चाहते हैं। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है वो क्या होगी? जीरो होगी। क्या होगी? जीरो। जैसे जीरो जो है वो माइनस जीरो के इक्वल होता है, और अगर आप देखें एक को जैसे ही मैं माइनस कर कह सकता हूं क्या? तो आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऐसी कोई संख्या जिसको मैं माइनस में बदलूं तो आपस में समान कब होगी? वो क्या होगी? जीरो होगी। जीरो में जैसे भी माइनस करूंगा ये दोनों समान हो सकती है, इसके अलावा कोई भी संख्या माइनस की संख्या के इक्वल नहीं होगी। आगे चलते हैं। खाली जगह पर शून्य का व्युत्क्रम है, शून्य का व्युत्क्रम। देखो ये शून्य था, शून्य का जैसे ही व्युत्क्रम किया तो कितना आया? एक बटे जीरो। नहीं है, इसका व्युत्क्रम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये परिभाषित रूप नहीं है, ये अपरिभाषित रूप है, इसका मैं व्युत्क्रम नहीं कर सकता। संख्याएं एक तथा माइनस एक स्वयं के व्युत्क्रम है। देखिए आप, एक का व्युत्क्रम किया तो एक कितना? एक का व्युत्क्रम क्या होता है? एक स्वयं का व्युत्क्रम है। इसी तरीके से माइनस एक का व्युत्क्रम किया, उल्टा किया तो वापस कितना मिला? माइनस एक ही मिला। तो इन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम, ये खुद ही जो संख्याएं हैं ये होंगी। माइनस पांच का व्युत्क्रम, ये माइनस पांच है, इसके नीचे एक है। जैसे मैं इसका व्युत्क्रम करूंगा, उल्टा करूंगा, उल्टा करते कितना आया? एक बटे पांच। इसके माइनस का व्युत्क्रम क्या बनेगा?
तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, x बटे एक लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए एक बटे x का गुणनफल कितना होगा, x होगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। ये मैंने गुणधर्म जो करवाया थे उसमें जैसे एक परिमेय संख्या मैंने दो बटे दी और एक परिमेय संख्या मैंने तीन बटे पांच ले लू या आठ बटे पांच, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। जब मैं गुणा करूंगा तो आठ बटे सोलह, इन दोनों का गुणा किया पांच तीन पंद्रह, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम देखें, ये परिमेय संख्या दो बटे तीन है, धनात्मक है, प्लस में है, जैसे ही मैं इसका उल्टा करूंगा तो कितना हो जाएगा, तीन बटे दो, ये भी किसमें है, प्लस में ही है। धनात्मक संख्या का जो व्युत्क्रम होगा वो भी कैसा होगा, धनात्मक ही होगा। तो ये एक्सरसाइज हमने 1.1 आज कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन पर जब जाएंगे आगे जीरो था, यहां पर आप देखिए माइनस, इसका
पास यहाँ आया, लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है, ये माइनस का एक, ये माइनस का दो, ये माइनस का तीन, ये माइनस का चार, और ये जो मिला आपको माइनस का पाँच, बटे में क्या है छः है, क्योंकि छः आप इसके नीचे इस तरीके से लगा देंगे तो ये जो पॉइंट मिला आपके पास ये माइनस का पाँच बटे छः मिलेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो भी आपको कुछ यही कह रहा है, क्या कह रहा है देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है माइनस दो बटे ग्यारह माइनस पांच बटे ग्यारह और माइनस नौ बटे ग्यारह को संख्या रेखा पर निरूपित की, तो संख्या रेखा पर निरूपित। इसका जब आंसर देते हैं आप चाहे तो आप तीनों को अलग अलग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं और चाहे तो एक ही संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, तो मैं एक ही संख्या रेखा पर दर्शा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सभी ये जीरो हुआ, अगर आप देखें तो ये सभी संख्याएं माइनस में है, इसका मतलब मुझे जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में चलना है, उल्टी दिशा की तरफ चलना है, इस तरह। तो ये बना आपके पास माइनस का एक, ये माइनस दो, ये माइनस तीन, ये माइनस चार, ये माइनस पाँच, ये माइनस छः, ये आपके पास माइनस का, ये आपके पास माइनस का, और यहाँ जो लाइन हो गई है बस उसको मैं आगे बढ़ता हूँ, ये जो मिली आपके पास माइनस के नौ। सबके नीचे क्या लगा था, ग्यारह लगा है, ये ग्यारह है, इसके नीचे भी ग्यारह है, इसके नीचे भी ग्यारह है, इसके नीचे भी ग्यारह है, ये भी ग्यारह, यहाँ भी ग्यारह। तो माइनस दो बटे ये आपके पास पहला, दूसरा माइनस के पाँच बटे ग्यारह दूसरा, और तीसरा माइनस के नौ बटे, ये तीन जो है संख्या देखा पर हमें इस तरीके से दर्शा दें, तो बिल्कुल इजी है, बस हमें ये जानता है कि माइनस की संख्या जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में चलती है और प्लस की संख्या जीरो के राइट हैंड साइड में चलती है। संख्याएं माइनस एक माइनस दो लिख दिया और जो भी आपके पास बटे में है उसको बटे में हम लिख देंगे और वहाँ से हमें इस तरीके से पॉइंट लगाकर राउंड करते हुए वो संख्या जो है दर्शा देनी है। तो ये आपके पास क्वेश्चन पहला और दूसरा वन पॉइंट टू का मैंने कंप्लीट करा दिया। होमवर्क में आप संख्या रेखा को कुछ इस तरीके से आप चाहें अलग अलग बनाकर दर्शा सकते हैं, दे रहा हूँ मैं सभी को संख्या रेखा पर निर्भर करती है, संख्या रेखा पर निरूपित करो। जैसे आपके पास पहला मैंने दे दिया माइनस के सात बटे तीन, दूसरा मैंने दे दिया प्लस के पाँच बटे चार, तीसरा जो है आप ले लीजिए एक बटे आठ, चौथा कर लीजिए माइनस के पाँच बटे छः। तो ये चार क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इसको आप संख्या लेकर निरूपित करें, प्रैक्टिस करिए, घर पर बहुत इजी है, इजीली आपसे हो जाएगा।